यस स्टूडेंट्स, अब उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। 8th एग्जाम्पल की क्या स्टेटमेंट है आपकी कि आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्स क्यूब के इक्वल शो करनी है। तो देखो कैसे शो करोगे, इस डिटर्मिनेंट को देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपका दो एंट्रीज का सम है। जब हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की थी तब मैंने बताया था कि अगर आपका डिटर्मिनेंट के अंदर आपका दो एंट्रीज का सम हो तो आप उनको कैसे लिख सकते हो, एक डिटर्मिनेंट प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट, यानी कि यहाँ पे तो जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो फर्स्ट वाली प्लस करके जो सेकेंड वाली एंट्री है उसको कहाँ पे लिखते थे, सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में। तो आपका जो सोल्व करके डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये थी आपकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। तो देखो इसको भी कैसे करोगे, दो के सम में है तो इस डिटरमिनेंट को आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। और उन डिटरमिनेंट्स की एंट्रीज क्या क्या आएंगी, फर्स्ट एंट्री तो आएगी फर्स्ट वाली रो कॉलम के अलोंग, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये एक्स 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 तो आपका एज इट इज, ये आपका 5x, ये आपका 10x। जो बाकी बच गई ये वाली एंट्री उसको कहाँ लिखोगे आप, यहाँ पे वाई 4y 8y। ठीक है, जहां भी दो एंट्रीज का सम दिखे तो दो डिटरमिनेंट का सम उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका सम है उन दोनों को अलग अलग करके बाकी एंट्रीज आपकी सेम, यानी कि 4x 2x 8x 3x, ये आपकी एज इट इज रहेंगी। जिसमें सम था बस उनको दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स एक्स 4x 2x 8x 3x। तो आपने क्या कर दिया, इस एक डिटरमिनेंट को सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद देखो कैसे करोगे आप, इसमें यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, एक्स कॉमन है, यहाँ भी क्या कॉमन है आपका, एक्स कॉमन है, यहाँ भी क्या है आपका, एक्स कॉमन है। तो इस डिटरमिनेंट में से आप क्या कॉमन निकाल दोगे, एक्स कॉमन निकाल दोगे। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, एक एक्स तो आया आपका यहाँ से कॉमन, ठीक है, दूसरा एक्स कहाँ से कॉमन आएगा, सेकेंड वाली रो में से, सेकेंड वाली रो में से एक एक्स कहाँ से आएगा आपका, थर्ड वाली रो में से कॉमन आएगा। तो कितना बच जाएगा एक्स, एक्स कॉमन निकालने के बाद, जब फर्स्ट रो से एक्स कॉमन निकालोगे ये बन गया 1 1 1, यहाँ से x को कॉमन लीजिए कितना बन गया 5 4 2, यहाँ से x को कॉमन निकालोगे कितना बन जाएगा 10 8 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है आपका, वाई वाई वाई, इसमें कॉमन क्या है, एक्स एक्स एक्स, और इसमें कॉमन क्या है आपका, एक्स एक्स एक्स। निकाल दो कॉमन, पहले कॉलम से निकाल दिया वाई, दूसरे से एक्स, तीसरे कॉलम से एक्स कॉमन निकाल दिया, तो कितना बच जाएगा अब ये, जब इसमें से वाई निकालोगे ये बन जाएगा 1 4 8, जब यहाँ से एक्स को कॉमन लोगे कितना बच जाएगा 1 4 8, जब यहाँ से एक्स को कॉमन लोगे कितना बन जाएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या है आपका, इस वाले डिटरमिनेंट में देखो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है 1 1 4 4 8 8, और आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर आपकी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये तो बन गया आपके पास 0। अब क्या बचा, ये वाला डिटरमिनेंट, अब इसको सोल्व करना है आपको। कैसे सोल्व करोगे, चाहो तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, ना तो क्या करो यहाँ पे 0 0 बना दो और फिर इसको क्या करो एक्सपेंड करो। तो सबसे पहले क्या करो, इनको 0 0 बना दो। इनको 0 कैसे बनाओगे, C2 - C1, और C3 को कैसे चेंज कर दोगे, C3 - C1। क्या ऑपरेशन लगाया आपने, C2 को चेंज कर दिया C2 - C1, दिस माइनस दिस करोगे यहाँ पे 0 बचेगा। C3 को किस में चेंज कर दिया आपने, C3 - C1, लगा दो दोनों ऑपरेशन, क्या बचेगा देखो आपका एक्स 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 कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम में आपका कोई ऑपरेशन नहीं तो इसका मतलब इसको रखोगे आप एज इट इज। ठीक है, सेकेंड कॉलम में क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है कि C2 - C1, ये आपका C2, ये आपका C1, तो C2 - C1 करोगे तो कितना बच जाएगा, 0। 4 - 5 करोगे कितना बनेगा आपका, 4 - 5 करोगे -1, 8 - 10 करोगे -2 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे -3, 3 में से 10 को करोगे -7। ठीक है, अब क्या करो, अब कर दो इसको एक्सपेंड, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, और साथ में कितना आएगा, जब इस रो के अलोंग आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा 1 * इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, कितना बच जाएगा आपका 1 * दिस * दिस, -7 के -1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस आपका किसकी वजह से आएगा, बीच में माइनस की वजह से, तो 3 * 6 - का 6।
ठीक है, प्लस ये आपका जीरो जीरो बन जाएगा क्योंकि दोनों एंट्रीज क्या हैं आपकी, जीरो जीरो। सेवन में से सिक्स जाएगा वन, तो वन इंटू वन वन, तो ये कितना बन गया आपके पास, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल उनको इसी तरह से सोल्व करना।